कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 22x27 का हाउस प्लान। वास्तु के हिसाब से एक साउथ फेस का हाउस प्लान है यहाँ पे। तो दोस्तों पहले जो मुझे लेना है 22x27 प्लॉट साइज का एक मेज़रमेंट, उसके बाद से उसके बाद से वॉल का मेज़रमेंट, और उसके बाद से हमको लेना है इसका डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में ये हाउस प्लान है। तो अपना ये हाउस प्लान साउथ फेस में है, 22 फीट इधर रखेंगे, ठीक है, इधर 27 फीट रखेंगे, और इसका डायरेक्शन देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो चलिए आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कितना बेडरूम आएगा, कितना ड्राइंग, बाथरूम, किचन, जो भी आएगा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये पूरा प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से बनाया है। तो देखिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं इसका बाथरूम का और स्टेयर का प्रोविज़न रखूँगा यहाँ पे। भले ही प्लॉट साइज छोटा है लेकिन हाउस प्लान बहुत ही बेहतरीन होगा गाइस आपके लिए। अब यहाँ पे देखो इसका स्टेयर रखूँगा, स्टेयर में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। स्टेयर का राइजर आपको हमेशा रखना है 5 इंच, क्योंकि आपके घर में बुज़ुर्ग व्यक्ति भी होंगे और बुज़ुर्ग व्यक्ति के चढ़ने में थोड़ा घुटनों में दिक्कत होती है, इसलिए राइजर 5 इंच का रहेगा तो बेस्ट है आपके बच्चों के लिए भी और बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए भी। अब हमारा प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। अब मैं इसको आपको कलर करके अच्छे से इसका वेंटिलेशन विंडो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मैं कलर करता हूँ इसको। इसमें वेंटिलेशन विंडोज़ ऑप्शनल है गाइस, आप चाहें तो अपने हिसाब से या अपने किसी मिस्त्री के हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मिस्त्रियों को बहुत सारा नॉलेज होता है इस फील्ड में। आप चाहें तो विंडो ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी अच्छा ही है, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। आपका विंडो का जो साइज रहेगा 4 फीट बाई 5 फीट का रहेगा। तो चलिए अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हो गया अपना मेन गेट, जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अपने हाउस में। साउथ फेस का हाउस प्लान है ये। अपना मेन गेट से एंट्री करेंगे, यहाँ से स्टेयर अप 4 फीट 5 इंच का गैप रखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद से अपना किचन, बेहतरीन किचन है 7 फीट 6 इंच बाय 6 फीट में। उसके बाद से अपना बाथ कम लैट्रिन, जिसका साइज मैंने रखा है 6 फीट बाय 5 फीट का। उसके बाद से देखते हैं अपना सेकेंड वॉश, जिसका साइज मैंने रखा है 6 फीट बाय 3 फीट 11 इंच। उसके बाद से अपना ये डाइनिंग कम ड्राइंग, बेहतरीन डाइनिंग कम ड्राइंग इतने में आपका अच्छे से हो जाएगा, जिसका साइज मैंने रखा है 14 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का आपका बेहतरीन डाइनिंग कम ड्राइंग होगा। उसके बाद से अपना बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट 2 इंच बाय 10 फीट का। उसके बाद से अपना सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट 7 इंच बाय 10 फीट का। उसके बाद से देख लीजिए, ये मैंने डोर रखा है इसका, ये किचन का डोर, वॉश, बेडरूम,
एंड विंडोज, बेडरूम का विंडो हो गया, ये बाथरूम का, वास का, ये स्टेयर के पास। सो ये ऑप्शनल है गाइज, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और कॉलम का पोजीशन देख लीजिए, इसमें 14 कॉलम्स आएंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगे और लाखों रुपए बचाएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। इसमें आपका बिल्डिंग को जाएगा 8-10 लाख एंड कॉलम्स आपको 14 रखने हैं। 16 mm का सरिया डालना है 4, और कॉलम का साइज रहेगा 10x12 इंच का। सो लव यू ऑल, सी यू इन अनदर वीडियो।